हे गाइस, गैंगस्टर के मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुपरसेल ने आज तक कितना गेम लॉन्च किया है और वो गेम अभी चालू है कि नहीं, तो इसके बारे में फुल टेस्ट का सुपरसेल का गेम हिस्टोरी बताएंगे आप लोगों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुपरसेल ने जो पहला जो गेम लॉन्च किया था वो ऑनलाइन गेम था, वो वेबसाइट बेसिस गेम था, कोई एप्लीकेशन नहीं था। उस गेम का नाम था गनशाइन डॉट नेट। अभी आप यूट्यूब में सर्च करो तो आपको मिल जाएगा गनशाइन डॉट का बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वो लॉन्च हुआ था 2011 में और इसको शट डाउन कर दिया था 30 नवंबर 2012 में। 2012 में इसको बंद कर दिया गया था। और सेकेंड वाला जो गेम लॉन्च किया था सुपरसेल ने, उसका नाम है पेट वर्सेस फॉक्स। वो वाला गेम 2012 में वो लॉन्च हुआ था ऑफिशियली, लेकिन वो 2012 में ही एक दो महीने के बाद इसको शट डाउन कर दिया सुपरसेल की तरफ से। और तीन नंबर जो गेम है वो है बैटल बडीज, वो भी लॉन्च किया है 2012 में, वो शट डाउन हो गया 2012 में ही। एक ही साल में दो दो गेम लॉन्च किया और वो भी शट डाउन कर दिया। और चार नंबर जो गेम वो लोगों ने लॉन्च किया उसका नाम है हेडे। आप लोगों को पता होगा कि हेडे के बारे में, हेडे में क्या होता है, हेडे कैसा गेम है। तो वो 2012 में लॉन्च हुआ था जून 21 तारीख को, वो सिर्फ iOS के लिए लॉन्च हुआ था। और 2013 में वो एंड्रॉइड के लिए ग्लोबली लॉन्च कर दिया है गया है। सो भाई पाँच नंबर पे तो आपको सबका फेवरेट जो गेम है सीओसी, 2012 में वो लॉन्च किया था, वो अगस्त 2 तारीख को वो लॉन्च किया था। वो ओनली iOS के लिए अवेलेबल था 2012 में। जो सुपरसेल ने पहली बार सीओसी लॉन्च किया था वो सिर्फ iOS के अवेलेबल था, लेकिन अक्टूबर 3 तारीख को 2013 में वो एंड्रॉइड के लिए लॉन्च कर दिया ऑल ग्लोबली। ओके, सो इसके बाद वो लोगों ने और एक गेम लॉन्च किया 2014 में, इसका नाम है बॉम बीच। वो मार्च के 26 तारीख को 2014 में वो लॉन्च किया था। वो एक ही साथ में एंड्रॉइड और iOS के लॉन्च कर गया था। वो भी गेम अभी आज अवेलेबल है, सीओसी भी अवेलेबल है। इसके बाद 2014 दिसंबर में और एक गेम लॉन्च किया जिसका नाम है स्पॉकी पॉप। वो भी 2015 में ही 2014 दिसंबर में लॉन्च किया था, 2015 में वो सडन हो गया। एक मंथ के लिए वो गेम आया था, लेकिन पता नहीं क्यों इसको बंद कर गया, पता नहीं क्यों चल नहीं, तो शायद कुछ चल नहीं रहा था गेम को, कुछ कोई भी लाइक नहीं कर रहा था, इसलिए वो बंद कर दिया था। इसके बाद आठवें नंबर में जो गेम लॉन्च किया इसका नाम है स्मैश लैंड। आपको काफ़ी सारे लोगों को पता है स्मैश लैंड कैसे खेलते हैं। वो 2015 में लैंड हुआ, रिलीज हुआ था सिर्फ ओनली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। वो लॉन्च हुआ था अप्रैल 1 तारीख को 2015 में। ओके, तो बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएगा लैंड, स्मैश लैंड का वीडियो। मैं भी देखा, मैंने भी चेक किया, बहुत अच्छा गेम था, लेकिन वो ग्लोबली क्लोज कर दिया अभी। और जुलाई 1 तारीख को वो बंद कर दिया, जुलाई 1 तारीख 2015 में उसको शट डाउन कर दिया। ओके, इसके बाद जो गेम लॉन्च किया था आप लोगों को पता ही है, क्रैश रॉयल। वो 2016 में लॉन्च किया था जनवरी 4 तारीख में। वो 2016 में iOS के लॉन्च हुआ था। इसके बाद फेब्रुवरी 16 में एंड्रॉइड के लिए लॉन्च किया था, लेकिन तब भी ग्लोबली के लिए वो लोग लॉन्च नहीं किया था। इसके लिए मार्च 3 तारीख को 2016 में ग्लोबली ऑल ग्लोबली वो लॉन्च कर दिया था। पहले तो कुछ कंट्री में अवेलेबल था, कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऐसे कुछ कंट्री में अवेलेबल था, लेकिन मार्च 3 तारीख 2016 में आपको ग्लोबली आपको सब लोगों को पता है। इसके बाद 2017 में एक नया गेम लॉन्च करने वाला है, लेकिन अभी भी लॉन्च नहीं है, लेकिन वो ओनली कनाडा ऐप्स में मिलता है ओनली iOS के लिए। उसी गेम का नाम है ब्रोवल स्टार्स। तो ब्रोवल स्टार्स का बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा आपको क्लैश ऑफ क्लैंस, सॉरी यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हो। वो भी गेम 2017 में लॉन्च होने वाला है, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ एंड्रॉइड के लिए काफ़ी लॉन्च होगा, ग्लोबली के लिए काफ़ी लॉन्च होगा। अभी तो iOS के लिए लॉन्च हुआ है, वो ओनली कनाडा ऐप्स में मिलता है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, VPN यूज़ करके, कनाडियन ऐप्स यूज़ करके एंड OS में गेम खेल रहे हैं। तो यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा, गेम प्ले मिलेगा। मुझे तो गेम प्ले नहीं है मेरे पास, मैं तो एंड्रॉइड iOS फोन यूज़ नहीं कर रहा, मेरे पास एंड्रॉइड वाला फ़ोन है, तो नहीं गेम प्ले का आपको नहीं देखने वाला। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ काफ़ी वाला गेम लॉन्च होगा, सो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप कितने एक्साइटेड हो मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना इस गेम के लिए। और इस गेम बढ़िया होने वाला है। इस गेम पे मैंने गेम पे देखा था कि इसमें फाइटिंग गेम होता है ज़्यादातर, जो लोगों के मतलब एक ही साथ मल्टीप्लेयर खेल के आप लोग फाइटिंग करने वाला हो। लाइक इज मिलीमीटर ऐसा, इसका ग्राफिक बहुत अच्छा है, मिलीमीटर ग्राफिक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन सुपरसेल ने गेम लॉन्च किया लॉन्च करने वाला है रोल स्टार। इसमें बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स है, मैंने देखा था ग्राउंड लेवल पे, मतलब आप देख सकते हो यूट्यूब में जाके, बहुत सारे ऐसे वीडियो है वो इसमें आपको करने वाला है कनाडा यूट्यूबर से, बहुत सारे वीडियो देखा मैंने। तो ऐसा से फाइटिंग गेम था, एक तो मारो बोल लीजिए मारो ऐसा कुछ गेम था, तो मज़ा आने वाला है गाइस। तो मैं तो पूरी तरह से वेट कर रहा हूँ ये गेम कब आएगा।
सो आने तक ही मैं इसका इंस्टॉल करके गेम प्ले बना दूंगा। इस वीडियो में आपको कुछ नॉलेज मिला है तो कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर देना बिकॉज दोस्तों को मालूम चलना चाहिए इस वीडियो में क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।